जो कि हम एक ही बाइट में खा जाएंगे। तो गाइज आज का ये नज़ारा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। हर एक आइटम को मैंने कर रखा है गार्निश अमूल क्रीम से। जो कोई भी इस चैनल पे नया है, मेरा नाम है अक्षांशु असवाल और मैं बनाता हूँ मग बैंग वीडियोस। और आज के अपने इस मग बैंग में मेरे पास है सबसे पहले मटन रारा, जिसमें भर भर के मैंने पीसेस डाल रखे हैं और ऊपर से इसको गार्निश कर रखा है अमूल क्रीम से। इसी के साइड में है मेरे पास चिकन करी, आया है क्या बेहतरीन लग रही है भाई ये इस गार्निशिंग के साथ। इसी के पीछे है मेरे पास मेजॉरिटी वेजिटेरियंस की जान राजमा मसाला। सेंटर में है ढेर सारा सेजवान फ्राइड राइस, जिसमें मैंने रख रखा है तंदूरी चिकन, आगे रख रखे हैं थोड़े से प्याज और नींबू, और इस साइड है मेरे पास एग मसाला। अगेन इसको भी अमूल क्रीम से गार्निश कर रखा है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है। ब्रेड में है मेरे पास प्लेन नान, जो कि दिखने में गजब लग रहा है। एक और प्लेन नान है मेरे पास जो साइड रखा हुआ है। फटाफट से कर देते हैं भाई आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। करते हैं भाई आज का वीडियो स्टार्ट अपनी नान के साथ। सबसे पहले राजमा। और हाँ भाई, प्रीवियस मकबैंग में मेरे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं कोर्टिजोल को लेके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो कोर्टिजोल और इंसुलिन पे बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। इधर गिमस, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। वाओ, मटन दारा वाओ। भाटिया ढाबा का नान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है यार। इजीली च्यूएबल है और अपना टेस्टी भी बहुत है। ठंडा होने के बाद भी अगर नान ऐसा है तो ये तो काबिले तारीफ है भाई। भाटिया ढाबा, भाटिया ढाबा, भाटिया ढाबा, वॉक इन वुड्स, वॉक इन वुड्स, वॉक इन वुड्स। आधा नान खत्म हो चुका है बट मटन से रुकने का मन नहीं कर रहा है, राजमा से रुकने का मन नहीं कर रहा था। मुझे चावल के साथ मज़ा आता है लेकिन भाई नान के साथ जो अल्टीमेट टेस्ट आता है ना चीज़ों का। ट्रस्ट मी ऑनेस्ट दिस, ऐसे आइटम्स खा के वो फीलिंग आती है कि यार ये फैट बढ़ने वाला सीन है ही क्यों। काश सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता कि आपको आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स देने हैं प्रॉपरली, बाकी जो खाना है खाओ। वाओ, कुछ इस प्रकार आया है पुदीने की चटनी। कार्टिलेज मैं नहीं खाता हूँ बट इतने अच्छे से कुक कर रखा है
कि पता भी नहीं चला, इतनी सी हड्डी बची है, वो इतने बड़े पीस से मानना पड़ेगा, डैडी की चॉइस को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाटिया ढाबा से इंट्रोड्यूस डैडी ने ही कराया था मुझे। कलर देखो जरा क्या लग रहा है। वॉक इन वुड्स, आज तो तुमने भयंकर तरह से दिल जीत लिया। मटन, चिकन, ये आइटम्स खाने के बाद अगर किसी एग या राजमा जैसे आइटम में आपको टेस्ट आ रहा है, दैट टू सुपर क्वालिटी टेस्ट, तो भाई गजब है, बढ़िया है। एक बढ़िया सा बाइट लेते हैं, ये बड़ा सा अंडा रखता है ऊपर, लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बिग बाइट। मेरे ख्याल से मेरा आज तक का सबसे बड़ा बाइट था, नॉट किडिंग, काफ़ी बड़ा था वो बाइट। सबसे पहले अपन चिकन करी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ड्राई है, अच्छा तोड़ तोड़ के मैं पीस डाल दिया करता हूँ इसमें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बोनलेस आइटम्स मंगवा सकता हूँ, बट बोनलेस आइटम मंगवा के ना भूरी के खाने का वही ख़त्म हो जाता है कि पक्की बात हो गई, भूरी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो गाइस, इतना ज़्यादा मांस निकला है उससे। बट एनीवे, आजकल ना अपना सिम्बा भी घर पे ही है, लूसी भी घर पे ही है, लूसी चिया की कैट है, तो सिम्बा के साथ के लिए मैं लूसी को भी यहीं ला रखा हूँ। तो ये जितने भी हड्डियाँ वगैरह बचती है, जितना भी खाना बचता है मेरे वीडियोज़ में, मम्मी ने तो छोड़ दिया है, डैडी हेल्थ की वजह से मटन वगैरह चिकन वगैरह ज़्यादा अब खाते नहीं हैं, तो ज़्यादातर पीसेस हम इन्हीं तीनों को खिलाते हैं अच्छे से। मुंह छिलता है पक्का। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ भी मैं सारा का सारा उसका मांस ले आया हूँ, जो कि हम एक ही बाइट में खा जाएंगे। अब एकदम से थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, राजमा को ले आते हैं ज़रा मार्केट में। राजमा इन लाल सेजवान राइस में दिखाई नहीं दे रही है, ये थोड़ी सी मेरे से भूल हो गई, नेक्स्ट टाइम से वाइट राइस ही मंगवाऊंगा। इतने बड़े बड़े प्याज के टुकड़ों से मुझे एक ही नाम दिमाग में आता है, कमेंट सेक्शन में गेस करो कि वो क्या नाम हो सकता है, यूट्यूबर्स का नाम है।
एक तो वो यूट्यूबर्स का नाम गेस करो कमेंट में, और दूसरी बात ये बताओ राइस के साथ मटन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर चिकन। देखते हैं आज लोगों की क्या चॉइस है। आजकल थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है ना, क्या हो रहा है छोटे मोटे आइटम ना मुंह में कहीं ना कहीं लग रखे होते हैं, पूरे वीडियो में रहते हैं, मेरे को दिखता ही नहीं है, एडिटिंग के टाइम में दिखता है। फिर एक जरा क्लोजअप ले लो इसका, बेहतरीन। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहां दा की करेंगी। समथिंग डिफरेंट लग रहा है, मटन के लिए चावल नहीं बचेगा तो जो नान है उसके साथ खा लेंगे। थिक ग्रेवी वाला मटन मेरे को नान के साथ ही पसंद है, जो थिन ग्रेवी वाली आइटम्स हैं वो चावल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। आज मैं एरिक द इलेक्ट्रिक का वीडियो देख रहा था जो लेटेस्ट आया है, भाई साहब एंटायर मेन्यू हम लोग वीडियो में सिर्फ रखते हैं, एक एक बाइट से थोड़ा सा ज़्यादा चखते हैं, दैट्स इट। भाई वो बंदा पूरा का पूरा खा जा रहा है यार। शायद उसका एक महीने में एक ही वीडियो आता है, एक महीने में मतलब 7 वीडियोज़ मान लो, 7 वीडियो का कॉन्टेंट है वो, 7 अलग अलग रेस्टोरेंट्स का फुल फुल मेन्यू एक ही वीडियो में कंपाइल करके। मानना पड़ेगा है कि नहीं। मतलब अपन लोग भी थोड़े बहुत उसी जॉनर में हैं, बट भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता। उसने एक चैलेंज में, इन 7 में से एक चैलेंज में 16 बर्गर खाए थे भाई, 16 बर्गर भाई साहब। मैंने 10 गुप्ता बर्गर पे करा था वीडियो भाई, वही वीडियो इतना टफ था ना मेरे लिए, उसका हिसाब नहीं है। अंडा बहुत टेस्ट हो रहा है। वीडियो का लास्ट आइटम बचा है तो अपनी बातचीत पे भी आ जाते हैं भाई। इतने ग्रेवी वाले आइटम खाने के बाद तंदूरी चिकन, ओहो स्मोकी फ्लेवर के साथ स्वाद ही अलग है। आज मुझे इसकी वैल्यू समझ आ रही है, वरना मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। हाँ तो यार जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस मकबैंग में बताया कि कोर्टिजोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, बॉडी का हार्ट रेट जब भी बढ़ता है हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मतलब कोर्टिजोल बढ़ता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इस कोर्टिजोल को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई कोर्टिजोल को बैलेंस करने के लिए बेस्ट तरीका है अपना योगा या फिर मेडिटेशन। नान लेके आ रहा हूँ, राइस भाई इतना ही था वो ख़त्म हो चुका है। एक मस्त फैक्ट वाली बात बताता हूँ जो मतलब जब मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चली थी, मैं लिटरली
शॉक्ड था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। बॉडी से जो हमारा फैट लूज होता है, चर्बी जो हमारी होती है, वो किस रूप में बॉडी से बाहर जाती है? भाई हमारी बॉडी से फैट जो निकलता है, जो ऐसा लगता है कि यार कहाँ गायब हो गया फैट, जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भाई मैक्सिमम फैट हमारी बॉडी लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फैक्ट है ये। मैक्सिमम जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, मेरे घर की सिटी का कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझ के चलो, अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो। फैट लॉस जिस किसी भी इंसान को करना है, मेरे ख्याल से तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला कोर्टिसोल, दूसरा इंसुलिन और तीसरा मेलाटोनिन। इन तीन चीज़ों के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, भाई साहब मैं लिखित में दे सकता हूँ कि वो इंसान फैट लॉस बहुत इजीली कर सकता है। अब इसको खाने के लिए अपने पास कुछ बचा नहीं है। तो दूसरा भाई अपना टॉपिक है इंसुलिन, एक ब्रीफ दूंगा और फिर हम नेक्स्ट मकबैंग में उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। जब कभी भी हम हाई कार्बोहाइड्रेट या फिर हाई शुगर वाली मील्स कंज्यूम करते हैं, हमारा इंसुलिन ऊपर जाता है, मतलब स्पाइक करता है। और जब कभी भी हमारा इंसुलिन स्पाइक करता है, उस दौरान हमारी बॉडी में फैट कटिंग का प्रोसेस नहीं होता है, या फिर ऐसा बोलो कि रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब भी हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, हमारी बॉडी में रिलीज होता है ग्लूकोस, और ग्लूकोस इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चे बेहोश होते थे असेंबली के टाइम पे, तो उनको ग्लूकॉन डी पिलाया जाता था कहीं इन्फर्मरी में बिठा के। और आगे जाके कभी आप देखते हो कि किसी को कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो रही है, हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक डाउन होता है भाई ग्लूकोज में, और जब हम शुगर खाते हैं, शुगर इट्सेल्फ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। तो हम जब कभी भी नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट या नॉर्मल शुगर वाली मील्स खाते हैं, तो हमारा इंसुलिन बढ़ता है, लेकिन वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, उतनी ही जल्दी वो नीचे भी आ जाता है। भाई मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी के पास पांच मोटे मोटे सोर्सेज हैं एनर्जी के लिए। पहला जो हमारा खाना है, खाना, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा हमारा मसल, फोर्थ हो गया डायरेक्ट शुगर, और फिफ्थ हो गया हमारा स्टोर्ड फैट। अब अगर आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज ना दो, डायरेक्ट शुगर ना दो, तो हमारी बॉडी के पास बचता है हमारा मसल, हमारा खाना और हमारा स्टोर्ड फैट, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमारी जो डेली दिनचर्या होता है ना, आंखें ब्लिंक करना, हाथ पैर हिलाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलना, ये सारी की सारी जो खाने की एनर्जी होती है, अगर हम मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर खा रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी हमारे उन कामों में यूज़ हो जाती है, थोड़ा बहुत चलना वगैरह इन सब चीज़ों में। तो हमारी बॉडी के पास दो सोर्सेज बचते हैं, एक है मसल और एक है स्टोर्ड फैट। मसल के लिए अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, तो प्रोटीन हमारी मसल के बाहर एक शील्ड सा बना जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल डिप्लीट नहीं होता है, हमारा मसल किसी और कार्य के लिए यूज़ नहीं होता है, और हमारा जो प्रोटीन है वो मसल को बचा के रखता है, इंटैक्ट करके रखता है। तो हमारी बॉडी के पास मोटा मोटी एक ही सोर्स बचता है, और वो है हमारा स्टोर्ड फैट। तो हमारी बॉडी फिर उस टाइम पे यूज़ करती है हमारे स्टोर्ड फैट को एज अ फ्यूल फॉर एनर्जी। समझ गए? आज के लिए भाई इतना ही। मेरी बैटरी ब्लिंक कर रही है, ऑल्दो मैं बैटरी चेंज कर सकता हूँ, बट स्टिल बहुत लंबा टॉपिक हो चुका है। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस मकबैंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।